डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस और फीटल डिस्ट्रेस। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज फीटल डिस्ट्रेस। ड्यू टू द इंट्रायूट्राइन फीटल हाइपोक्सिया मीन्स अगर इंट्रायूट्राइन फीटस को किसी भी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो इंट्रायूट्राइन फीटस डेंजर या रिस्क पे रहता है, दैट इज कॉल्ड द फीटल डिस्ट्रेस। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट फीटल डिस्ट्रेस टर्म की जगह पे नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस टर्म रिकमेंड किया है, क्योंकि लेबर के समय पे जो फीटल हार्ट रेट पैटर्न होता है वो डायनेमिक होता है, वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ एंड एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट से नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की तरफ वो रैपिडली चेंज हो सकता है। दैट्स वाई जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न है उसको रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस एंड एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न को नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस टर्म रिकमेंड किया है। नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस कैरेक्टराइज्ड बाई टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। जो फीटल हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा होना या उससे कम होना, रिड्यूस फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है उसका रिड्यूस होना, डिसलरेशन एंड एब्सेंस ऑफ द एक्सिलरेशन, एंड जितना भी इंट्रायूट्राइन फीटल कॉम्प्रोमाइज है उसका अल्टीमेट रिजल्ट हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस या नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस। जब फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई है नॉर्मल कंडीशन में, तो ग्लाइकोजन का एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है एंड वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट ड्यूरिंग हाइपोक्सिया जबकि ऑक्सीजन का सप्लाई फीटस को प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उस समय ग्लाइकोजन का एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, जो जहाँ पे एक एच आयंस बनता है। ये एच आयंस क्या करता है कि जो फीटस का एसए नोड है पहले उसको स्टिमुलेट करेगा देन डिप्रेस करेगा, तो इसीलिए पहले टैकीकार्डिया फीटस का हार्ट रेट अधिक मिलता है फिर बाद में ब्रेडीकार्डिया हार्ट रेट जो होता है कम मिलता है। एंड एच आयन जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो फीटस का इंटेस्टाइन है उसकी हाइपर पेरिस्टाल्सिस हो जाती है एंड फीटस का एनल स्फिंक्टर रिलैक्स्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मीकोनियम पास आउट होके जो एमनियाटिक फ्लूइड है उसमें मिल जाता है एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से ही फीटस का एस्फिक्सिया हो जाता है, जिसका कि अल्टीमेट रिजल्ट टिश्यू डैमेज या फीटल डेथ हो जाता है। कॉजेज ऑफ द नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस, यहाँ पे फोर फैक्टर्स है। मदर से सप्लाई ऑक्सीजन की वाया ब्लड प्लेसेंटा को जाता है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस। इन चारों फैक्टर्स में अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर मदर सीवियर एनेमिक है तो इसमें आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन कम कैरी होगा, या मदर को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या माइक्रोवैस्कुलर इस्केमिया होता है, या शॉक या एक्यूट इन्फेक्शन मदर को एनेस्थीसिया या सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ है, तो इन सब से क्या होगा, जितना फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होना चाहिए उसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी वो नहीं होगा। या फिर प्लेसेंटल कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया या ब्रेप्सियो प्लेसेंटी है, वहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेशन या एक्यूट ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड माँ से प्लेसेंटा के थ्रू होके फीटस को जा रहा था या एक्यूट ब्लीडिंग होने की वजह से उतना प्रॉपर ब्लड सप्लाई जिसके साथ की ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो फीटस को नहीं हो पाती है। या फिर प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर में क्या यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन या इंडक्शन की वजह से यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन टिटेनिक कंडीशन में जा रहा है, तो क्या होगा, ये प्लेसेंटा कंप्रेशन की वजह से वहाँ बार बार जितना भी फिट सप्लाई जाना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन हो, ट्रू नॉट बन गया हो, या फीटस के नेक के अराउंड टाइट कॉर्ड की कॉइलिंग हो गई हो या कॉर्ड प्रलय, तो इसमें भी प्रॉपर सप्लाई हैम्पर हो जाती है। या फिर कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ हो, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो, या
फीटस के हेड का प्रोलॉन्ग कंप्रेशन हुआ हो, जो प्रोलॉन्ग लेबर मोस्टली होता है कि ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर की वजह से फीटस नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है एंड नीचे से बोनी पेल्विस या फिर सॉफ्ट स्ट्रक्चर की वजह से या पेरिनियम की वजह से, रिजिड पेरिनियम हो उसकी वजह से फीटस को ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, जिससे फीटस के हेड पर प्रोलॉन्ग कंप्रेशन होता है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है, जिससे भी ऑक्सीजन सप्लाई फीटस को कम मिल सकती है। या फिर जितने भी वेरियस क्लिनिकल कंडीशन क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी या IUGR के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब भी क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। अब इसका मैनेजमेंट, जहाँ पे भी फीटल हाइपोक्सिया या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है वहाँ पे इमिडिएटली प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजनेशन टू द बेबी करना है। एंड ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट ये डिपेंड करता है जो कि कॉज ऑफ हाइपोक्सिया, जो भी हाइपोक्सिया या लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कॉजेज है, मैटरनल, प्लेसेंटल, अम्बिलिकल कॉर्ड या फीटल या इन्फेक्शन, जो भी, उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट है। वो जनरल मेजर्स है जो कि फीटस को ऑक्सीजनेशन, फीटल ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए मदर को लैटरल पोजीशन में लेटाना है, जिससे कि वेना कावा एंड एओर्टल कंप्रेशन जो है वो इसको अवॉइड कर सके। इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा एंड यूट्रो प्लेसेंटल परफ्यूजन प्रॉपर होगा। एंड मदर को मास्क के द्वारा 6 to 8 liters पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिससे फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट हो। अगर मदर को डिहाइड्रेशन है, मदर डिहाइड्रेट हो रही है, तो उसको IV फ्लूइड के द्वारा हाइड्रेशन मेंटेन करना है, जिससे क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा एंड यूट्राइन परफ्यूजन भी प्रॉपर होगा। एंड अगर मदर को एपिडुरल एनाल्जेसिया देने के बाद BP चेक किया, फॉल डाउन इन BP मतलब मैटरनल हाइपोटेंशन है, तो इमीडिएटली 1 liter ऑफ क्रिस्टोलाइट को मदर को इन्फ्यूज करना है। अगर ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है या टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है एंड फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ पर इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देना है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए और फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर मिल सके। या फिर हाइपरटोनस यूट्रस है एंड फीटस का हार्ट रेट नॉन रिस्टोरिंग की तरफ जा रहा है, तो टोकोलाइटिक्स ड्रग यूज करना। ये क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स कर देता है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन करके चेकआउट करना है, कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है। कॉर्ड प्रोलैप्स होगा तो कंप्रेशन की वजह से वो भी सप्लाई हैम्पर करेगा, तो अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो एग्जामिनिंग फिंगर से कॉर्ड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देना चाहिए। एंड इसमें क्या करते हैं, एमनियन इन्फ्यूजन भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वार्म नॉर्मल सेलाइन 500 ml लेते हैं, इंट्रायूट्राइन इसमें इन्फ्यूजन करते हैं, जिससे इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम, जो इंट्रायूट्राइन फ्लूइड वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होता है। एंड ये इंडिकेटेड है अगर ओलाइगोहेड्रोमनिया से या कॉर्ड कंप्रेशन है। एंड टू डाइल्यूट या वॉश आउट द म्यूकोनियम टू इम्प्रूव द डिसलरेशन। अगर जो भी कंजर्वेटिव मेजरमेंट किया, अगर वो इफ़ेक्टिव है तो प्रॉपर उसको करते रहेंगे और जो लेबर प्रोसेस उसको हाफ ऑफ एन आवर में मेज़र करते रहेंगे, ताकि अगेन ये नॉन रीस्टोरिंग की तरफ ना चला जाए। और अगर जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया वो इनइफेक्टिव है, अभी भी फिटस का नॉन रीस्टोरिंग की तरफ ही है, तो इमीडिएट डिलीवरी, जो भी सेफेस्ट मेथड हो, वेजाइनल या सिजेरियन सेक्शन, उससे कराना है। और अगर सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो पेशेंट को जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक उसको 15 degrees लैटरल टिल्ट करके रखते हैं, जिससे कि फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई होता रहे। एंड ड्यूरिंग डिलीवरी पीडियाट्रिशियन मस्ट बी अवेलेबल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस या फीटल डिस्ट्रेस कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।